बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का बयान, कहा न बैठूंगा न बैठने दूंगा, करना पड़ेगा काम। पीएम मोदी ने पार्टी के बड़े बोले नेताओं पर कसा तंज, कहा जीत के लिए मुंह के लालों का भी शुक्रिया। बैठक में पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया, वृक्ष पर फल आते हैं तो वो झुक जाता है, सरकार को बने रहना चाहिए विनम्र। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, ओपी माथुर और केशव प्रसाद मौर्य का किया गया सम्मान। पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ली शपथ, दूसरी बार बने पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के 26वें मुख्यमंत्री बने कैप्टन। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ब्रह्म मोहिंद्रा ने दूसरे नंबर पर ली कैबिनेट मंत्री की शपथ, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। मनप्रीत सिंह बादल को भी दिलाई गई कैबिनेट मंत्री की शपथ, प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल। साधु सिंह धर्मस्त्रोत, तृप्त रजिंदर बाजवा, राणा गुरजीत सिंह, चरणजीत सिंह चिन्नी समेत 9 मंत्रियों ने ली शपथ, कैबिनेट में रजिया सुल्तान को भी मिली जगह। कैप्टन अमरिंदर के शपथ समारोह पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद। कैप्टन अमरिंदर को सीएम बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, ट्वीट कर कहा पंजाब के लिए विकास के लिए शुभकामनाएं। कैप्टन अमरिंदर को राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा पंजाब के लोगों का दिल जीता, मिलजुल कर करेंगे काम। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर किया करारा हमला, कहा गोवा और मणिपुर में पैसे के बल पर बनाई सरकार, दोनों राज्यों में चोरी की सरकार। पंजाब में एचएस फुलका होंगे विपक्ष के नेता, आम आदमी पार्टी ने नाम पर लगाई मोहर। समाजसेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल की मांग पर ठहराया गलत, बोले दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और यहां पुराने युग में लौटने की बात हो रही है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का नीतीश पर बड़ा आरोप, कहा महागठबंधन से दूर जा रहे बिहार के सीएम। नीतीश पर रघुवंश प्रसाद का बड़ा हमला, कहा लालू अगर आरजेडी नेताओं को इशारा फड़ कर दें तो जेडीयू नेताओं की होगी जोरदार पिटाई। रघुवंश बाबू के बयान के बाद सुलगी सियासत, दरभंगा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। गायत्री प्रजापति को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पूर्व मंत्री पर नाबालिग से रेप की कोशिश का भी आरोप। जस्टिस राजेंद्र मेनन बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। एसवाईएल के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आईएनएलडी का हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली के जंतर मंतर पर दक्षिण भारत से आए किसानों का ड्रामा, खुदकुशी के लिए पेड़ पर चढ़े, सुरक्षा एजेंसियों ने मशक्कत के बाद उतारा। मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने नई हेल्थ पॉलिसी को दी मंजूरी, खर्च की भरपाई के लिए लग सकता है स्वास्थ्य सेस। नेपाल की राजधानी काठमांडू को दिल्ली और कोलकाता से जोड़ने के लिए रेलवे की नई परियोजना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी शुरू। संयुक्त यूके के मामले पर भी भारत ने पाकिस्तान को हड़काया, कहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करे पाकिस्तान। हैदराबाद में 9 साल की जुनियारा खान ने तैयार किया सॉफ्टवेयर ऐप, 1 साल पहले भी बनाया था एंड्रॉयड ऐप। दिल्ली में ओला और उबर को टक्कर देने के लिए 7 अप्रैल से उतरेगी सेवा कैब, 80,000 टैक्सियों को साथ जोड़ने का दावा। मैंगलोर में सड़क हादसे का हैरान करने वाला वीडियो, सामने से आ रही बस ने युवक को मारी टक्कर, मोबाइल में व्यस्त था युवक। दिल्ली के वसंतगंज में उज्बेकिस्तान की महिला से गैंगरेप के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 10 मार्च को ही वारदात। जालौर में एक बुजुर्ग की बहू और पोतियों ने की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रीवा में पुलिस कांस्टेबल ने की फांसी लगाकर खुदकुशी, गुड़ थाने में 4 साल से तैनात था पन्ना का रहने वाला जयपाल सिंह। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे पर छेड़छाड़ का आरोप, विरोध करने पर महिला के परिजनों को पीटा। चेन्नई पहुंचा जेएनयू छात्र मुत्तु कृष्णन का शव, होली की दोपहर दोस्त के घर पर की थी खुदकुशी। तमिलनाडु के सलेम में केंद्रीय मंत्री राधाकृष्णन पर फेंका गया जूता, जेएनयू छात्र मुत्तु कृष्णन के अंतिम संस्कार में पहुंच गया राधाकृष्णन। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमीन विवाद के चलते एक महिला की हत्या का शक, ससुराल पक्ष पर आरोप। मालदा में घर से 8 बम बरामद, इलाके में लगातार विस्फोटक पकड़े जाने से हड़कंप। फरीदाबाद में लड़का होने का शर्तीय इलाज करने वाली महिला को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धरा, महिला दवाई के नहीं लेती पैसे। भोपाल में एक युवती पर सनकी आशिक का जानलेवा हमला, वारदात के बाद आरोपी फरार। दिल्ली के गाजीपुर में बेकाबू रफ्तार का कहर, आरटीवी ने 45 साल की महिला को कुचला, मौके पर पहुंचा।
दिल्ली में लग्जरी कारों की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 50 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी का आरोप। बिहार के हाजीपुर में मामूली विवाद के बाद दो गुटों में जमकर बवाल, कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी। इंदौर में होली पर पूल पार्टी में छेड़छाड़ के बाद झड़प, 24 घंटे में जांच पूरी कर कार्रवाई के निर्देश। मथुरा में छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की के पिता और भाई को मारी गोली, भाई की मौके पर ही मौत। भरतपुर में दहेज लोभी पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, आरोपी पति और उसका पति पिता गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में हाईवे पर चलती बाइक में लगी आग, बाइक सवार की बाल बाल बची जान। यूपी के रामपुर में लड़की की अधजली लाश मिलने से हड़कंप, 3 दिन से घर से लापता थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हेड कांस्टेबल ने थाने में राइफल से खुद को मारी गोली, अस्पताल में हालत गंभीर। खगड़िया में 75 घाट के पास डूबी यात्रियों से भरी नाव, 4 लोग डूबे, महिला का शव बरामद। कानपुर कोल्ड स्टोरेज हादसे में मौत का आंकड़ा पहुंचा 6, शिवराजपुर में धाराशाही हुई थी इमारत। नोएडा सेक्टर 78 में दर्जनों झुग्गियां आग की चपेट में, सिलेंडर फटने को बताया वजह। मध्य प्रदेश के आगर में गेहूं के खेत में पकड़ी आग, लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह। जोधपुर में गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने से आग में 8 बच्चों समेत झुलसे 11 लोग, 5 की मौत। बनासकांठा में भालू ने 2 दिनों में 3 लोगों को मारा, वन विभाग के कर्मियों पर ही हमला। हिमाचल के गोपालपुर में चिड़ियाघर से भाग निकले तेंदुए, अलर्ट जारी, 1 तेंदुआ मिला। 20 मार्च को होने वाले जाट आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कसी कमर, बॉर्डर में किसी भी प्रदर्शनकारी के घुसने पर पाबंदी। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति और हरियाणा सरकार की बनाई समिति कल पानीपत रिफाइनरी में करेगी बातचीत, दिल्ली में संसद भवन के घेराव से पहले वार्ता थी। सहारनपुर और ब्यास के बीच स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का ऐलान, 17 मार्च को रात 8:50 पर सहारनपुर से चलकर सुबह 3 बजे पहुंचेगी ब्यास। मुजफ्फरपुर में पिछड़ा बच्चा, 11 साल बाद फिल्मी अंदाज में अमृतसर में मिला, हाथ पर गांव का नाम गुदा देख एक शख्स ने किया परिवार को सूचित। बरेली भुज एक्सप्रेस के अजमेर पहुंचने पर यात्रियों ने काटा हंगामा, रिजर्वेशन के बावजूद जनरल कोच में सफर करने को मजबूर करने का आरोप।